आपके आसपास जब मक्खियां होती हैं, तब आपके कान उनके भिनभिनाने की जो आवाज सुनते हैं वो उनके मुंह से नहीं आती है। असल में जब वे उड़ती हुई अपने पंख बड़ी तेजी से फड़फड़ाती हैं, तो उनके पंखों से ऐसी आवाज आती है जिसे इंसानी कान भिनभिनाहट समझता है। छोटे कीड़ों के भिनभिनाने की आवाज ज्यादा तेज होती है, बड़ी मधुमक्खियों के विंग बीट्स स्लो होते हैं, लिहाजा भिनभिनाने की आवाज की पिच कम हो जाती है। कीड़े जब फूलों पर बैठते हैं, तब वे फूल से पॉलन या पराग कण निकालने के लिए अपने शरीर और पंख फड़फड़ाते हुए भिनभिनाते हैं। ये पॉलन पंखों पर चिपक जाता है। यही कीड़ा जब किसी और फूल पर जाकर बैठता है तो उस पॉलन को इस फूल पर छोड़ देता है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। जब मधुमक्खियां अपने छत्ते का या अपना बचाव कर रही हो, तब भी आप उन्हें भिनभिनाते हुए सुनेंगे, खास तौर पर तब जब आप किसी मधुमक्खी के छत्ते के ज्यादा करीब जाएं। ये भिनभिनाहट की आवाज आपको एक तरह से इनकी चेतावनी है कि या तो यहाँ से दूर भागो, वरना मधुमक्खी का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहो। आउच, डंक मार दिया। ये बड़ा दर्दनाक डंक था, मगर अरे ये क्या है? आउच, एक और डंक मार दिया क्या? अगर ऐसा है तो ये मधुमक्खी नहीं है। एक मधुमक्खी सिर्फ एक ही बार डंक मार सकती है। जब डंक मारती है तो आपकी खाल पर एक छोटा सा उभरा हुआ डंक दिखता है। एक बार डंक मारने के बाद मधुमक्खी डंक को वापस बाहर नहीं खींच सकती है। अब क्योंकि डंक में नसें होती हैं, मांसपेशियां होती हैं और ये मधुमक्खी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक हिस्सा है, तो डंक मारने के बाद मधुमक्खी भी मर जाती है। येलो जैकेट्स एक किस्म के ततैया हैं, जिन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं है। जितनी भी बार मुमकिन होगा वे आपको उतनी बार डंक मारेंगे। ये बाकी कई मक्खियों के मुकाबले अलग हैं। येलो जैकेट्स का डंक बिना बार्ब का होता है। उनके आसपास मंडराना या उनके छत्ते में घुसना कोई हंसी खेल नहीं है। उनके छत्ते में हजारों जैकेट्स होते हैं, या बस एक गर्मी के मौसम में ही उनके छत्ते में 50,000 ततैया तक हो सकते हैं। ये मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाने की आवाज भी नहीं निकालते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके व्यवहार में बड़ा फर्क है। भौरे और मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं और पॉलन और फूलों का शहद इकट्ठा करती हैं, जो उनकी कॉलोनीज के लिए भोजन भी है। अगर आप उन्हें घास के लेवल पर इधर उधर उड़ते हुए देख रहे हैं, तो शायद वे अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे वे बाद में अपने छत्ते में ले जाएंगे। येलो जैकेट्स फूलों के उतने शौकीन नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें अपने पंखों को मधुमक्खियों की तरह तेजी से हिलाने की जरूरत ही नहीं होती है। ये पॉलन को ट्रांसफर या इकट्ठा नहीं करते हैं। ये ततैया शिकारी होते हैं, जो मकड़ियों, कीड़ों और सड़ने वाले फलों को खाना पसंद करते हैं। अगर आप स्वादिष्ट खाने से भरी टोकरी के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो इनके अनवांटेड विजिट के लिए तैयार हो जाइए। इन्हें दूर रखने के लिए खाना ढक कर रखिए। इनका सबसे एक्टिव टाइम है गर्मियों का आखिरी वक्त और पतझड़ की शुरुआत। जैकेट्स वसंत ऋतु में अपनी कॉलोनी बनानी शुरू करते हैं। इनकी रानी ये काम अकेली शुरू करती है। सबसे पहले तो कड़ी ठंड में उसे खुद को जिंदा रखना जरूरी होता है। उसके बाद वो अंडे देती है। फिर वसंत और गर्मियों के दौरान कॉलोनी विकसित होकर फलती फूलती है। सर्दी आने तक बूढ़ी रानी अपना काम निपटा लेती है, इसलिए अब वो अपना ताज नई रानी को सौंप सकती है, जो यही साइकिल आगे जारी रखेगी। बाकी ततैयाओं में से कोई भी जिंदा नहीं बचती। येलो जैकेट्स और मधुमक्खियां दोनों के शरीर काले और पीले होते हैं और इनका साइज भी तकरीबन एक ही होता है। मक्खियां ज्यादा बालदार और चंकी होती हैं, जबकि येलो जैकेट्स उतने फरी या मोटे नहीं होते। ये ज्यादा स्मूथ और स्लेंडर होते हैं। ततैया की एक कमर भी होती है। ये उनके पेट को थोरेक्स से जोड़ती है, जो शरीर के मिड सेक्शन और सिर के बीच का हिस्सा है। मधुमक्खियां पेड़ों के छेदों में छत्ता बनाकर उन छत्तों में रहती हैं, जो मधुमक्खी पालने वाले उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। जैकेट्स अपने छत्ते खुले पाइप्स में, दीवार के छेदों में, पुराने फर्नीचर में, यहाँ तक कि जमीन के अंदर भी बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये चूहों के पुराने बिलों और ज्यादातर लॉन्स की बिना घास वाली जगहों पर अपना छत्ता बनाते हैं। तो मुमकिन है कि आप लॉन की घास काटने वाली मशीन चलाते वक्त अनजाने में उनके छत्ते पर पैर रखकर उन्हें डिस्टर्ब कर दें।
येलो जैकेट्स मधुमक्खियों के मुकाबले ज्यादा हमलावर और भयंकर होते हैं, क्योंकि ये शिकारी होते हैं और अपने छत्तों को बचाने के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं। अगर जरूरत पड़े तो जो लोग इनकी शांति भंग करते हैं उनका ये दूर तक पीछा करते हैं। ये सभी रुकावटें पार करके अपनी बारी का इंतजार करेंगे। अगर आप उनसे बचकर भाग रहे हैं तो जाकर पानी में डुबकी मत लगाइए, क्योंकि ये बड़े धीरज के साथ आपके बाहर निकलने का इंतजार करेंगे और आपके बाहर निकलते ही बदला लेने के लिए आप पर हमला कर देंगे। घबराहट में अपने हाथ लहराते हुए मत भागिएगा, क्योंकि इससे वे आपको अपने लिए खतरा मानकर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर आप पर और तेजी से हमले करेंगे। बस अपने हाथ ऊपर उठाकर सबसे पहले अपनी आंखों को बचाएं, फिर धीरे से वहां से दूर हटना शुरू कर दें। मधुमक्खियां डंक तभी मारती हैं जब उनके पास वाकई इसके सिवाय और कोई चारा ही नहीं बचता। ये मतलबी नेचर की नहीं होती हैं। मधुमक्खियां और ततैया तब तक कभी डंक नहीं मारती जब तक उन्हें हमसे खतरा ना महसूस हो। येलो जैकेट्स मधुमक्खियों के मुकाबले ज्यादा आसानी से भड़क जाते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि कोई खतरनाक चीज उनकी तरफ आ रही है तो वे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो उनकी फैमिली को अलर्ट कर देते हैं, ताकि वे भी आपके पीछे पड़ जाएं। ततैया कागज से भी छत्ता बना सकते हैं। सबसे पहले वे छाल के टुकड़ों को चबाते हैं और फिर इसे बाहर थूकते हैं, जिससे वे कागज को मोटा बनाते हैं। वे सभी हमें एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ततैया अपने चेहरे के अनूठे पैटर्न की पहचान करके एक दूसरे को पहचान सकते हैं। वे हरे, नीले, लाल और नारंगी रंगों के साथ साथ कई और रंगों में भी नजर आते हैं। दुनिया का सबसे छोटा कीड़ा एक परजीवी ततैया है, जिसे अक्सर फेरी फ्लाई कहा जाता है। नर ततैया अंधे होते हैं, उनके पंख नहीं होते और वे केवल 0.005 इंच लंबे होते हैं। ततैयों की 30,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, मगर मुख्य रूप से इनके दो ग्रुप्स हैं। सोशल ततैया कॉलोनीज में रहते हैं और सॉलिटरी ततैया अपना अलग छत्ता बनाकर रहना पसंद करते हैं और वे उनमें अपने बच्चों के साथ अकेले रहते हैं। सोशल ततैया अपने डंकों का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करते हैं। सॉलिटरी ततैया अपने डंकों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते हैं। उनके डंक जहरीले होते हैं। सॉलिटरी ततैया लोगों को डंक नहीं मारते और वे हमारे पीछे भी नहीं पड़ते हैं। वे कीड़ों को खाकर उनकी आबादी को नियंत्रित रखने में इंसानों की मदद करते हैं। मड डॉबर ततैया चींटियों के करीबी रिश्तेदार हैं। चींटियां भी शुरुआत में एक तरह की मांसखोर ततैया ही थी, मगर चींटियां सोशल ततैयाओं के मुकाबले मक्खियों से ज्यादा रिलेटेड हैं और इन सब का फैमिली ट्री एक ही है। ये पूरी पृथ्वी की सूखी जमीन पर फैली हुई हैं। ये तकरीबन हर इकोसिस्टम में मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी पर हर समय करीब 1,00,000 चींटियां मौजूद रहती हैं। ब्राजील के रेन फॉरेस्ट की एक स्टडी के मुताबिक उस इलाके में रहने वाली कुल चींटियों का कुल मांस वहाँ रहने वाले बाकी सभी रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबियंस के कुल मास से करीब 4 गुना ज्यादा था। चींटियां सामाजिक जीव हैं जो बहुत बड़ी कॉलोनीज में रहती हैं। ये कई रोल निभाती हैं, जैसे अपने बिल का बचाव करना, खाना तलाशना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना या बिल बनाना। सिर्फ इनके रिश्तेदार ही दर्दनाक डंक नहीं मारते, बल्कि चींटियां भी भयंकर डंक मारती हैं। इन सब में बुलेट एंट्स का डंक सबसे दर्दनाक डंक है और वे अमेज़न जैसे उमस भरे जंगलों के इलाकों में रहती हैं। फायर एंट्स हर साल अरबों डॉलर का नुकसान करती हैं। इस पूरी रकम में वो रकम भी शामिल है जो इनके काटने का इलाज कराने में मेडिकल और पशु चिकित्सा के बिलों पर खर्च होती है। ये दिखने में छोटी हैं, मगर इनका डंक बड़ा दर्दनाक होता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी त्वचा जल रही है, इसीलिए ये फायर एंट्स कहलाती हैं। कुछ कीड़े बस कुछ दिनों या कुछ घंटों तक ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन चींटियां सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले कीड़ों में से एक हैं। कुछ प्रजातियों की रानी चींटी 30 साल तक जिंदा रहती है। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो ये दुनिया के कुछ सबसे बलवान जानवरों में से एक हैं। एक अकेली चींटी अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है और उसे खींच कर ले भी जाती है। इन्हें मिलजुल कर काम करना पसंद है, इसलिए आप अक्सर इन्हें एक साथ कुछ बड़ी चीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए देख सकते हैं। चींटियां अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर रहती हैं। यही हाल उनके रिश्तेदार ततैयाओं का भी है।
चींटियों के कान नहीं होते, सुनने के बजाय वे जमीन से आ रही वाइब्रेशंस को महसूस करती हैं। कुछ चींटियों की तो आंखें भी नहीं होती हैं, इसलिए वे एंटीना का इस्तेमाल करके दूसरी चींटियों से कम्युनिकेट करती हैं। इसके अलावा वे अपने शरीर के जरिए केमिकल सिग्नल्स रिलीज करके एक दूसरे को मैसेज भी भेजती हैं। वे अपने कदमों के जरिए केमिकल सिग्नल्स के निशान छोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं, जो बाकी चींटियों को किसी खाने की चीज की तरफ ले जाती हैं, या इससे ये अपने लिए पार्टनर को भी आकर्षित कर सकती हैं। अगर इन्हें लगता है कि आसपास कोई खतरा है तो ये इसी तरह से चेतावनी के संकेत भी भेजती हैं। आज तक चींटियों का जो सबसे बड़ा बिल मिला वो 3,700 मील से भी ज्यादा चौड़ा था। ये सन 2000 में अर्जेंटीना में मिला था। 33 किस्म की चींटियों की आबादी ने एक साथ मिलकर एक बड़ी विशाल सुपर कॉलोनी बनाई, जिसमें लाखों छत्ते थे और वहाँ अरबों चींटियाँ रह रही थीं और काम कर रही थीं।